हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो फोनिक डायग्राफ्स के बारे में थी, वो फोनिक डायग्राफ्स का पार्ट वन था। तो आज हम लोग उसी का पार्ट टू बनाने लगे हैं। जो हमारे रिमेनिंग डायग्राफ्स रह गए थे वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो डायग्राफ्स के बारे में फ्रेंड्स, जब भी आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करें तो एट अ टाइम या पर डे जो है आप वन या टू उनको डायग्राफ्स इंट्रोड्यूस करें। ज़्यादा डायग्राफ्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। जब भी आप एक या दो फोनिक डायग्राफ जो है उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस दिन आप उन्हीं के जितने भी रिलेटेड वर्ड्स हैं वो आप बच्चे को पढ़ाएं, उसे रीड करवाएं। तो जो है फोनिक्स के थ्रू उसकी जो प्रोनंसिएशन है उसके थ्रू आप उसे रीड करवाएं बच्चे को, ताकि उसके लिए ईजी हो जाए। अगर आप एट अ टाइम फाइव या सिक्स या ज़्यादातर डायग्राफ्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो हमारे रिमेनिंग डायग्राफ्स हैं वो हम लोग ने इस वीडियो में कवर किए हैं। आइए देखते हैं वीडियो। तो जो रिमेनिंग हमारे डायग्राफ्स हैं उन्हें देख लेते हैं कि उन्हें कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये कर लिए थे और ये दो भी हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। तो अब हम ये करते हैं। तो हमारे पास डायग्राफ है पी एच। पी एच मिल के फ का साउंड देते हैं, फ, ठीक है। पी एच मिल के हमारे पास साउंड दे रहे हैं, ठीक है, एफ का। जैसे एफ का साउंड आता है तो पी और एच फ का साउंड दे रहे हैं। और के और एन जो है हमारे पास, हमेशा के उसमें साइलेंट हो जाता है। जब भी के और एन इकट्ठे आते हैं तो के साइलेंट हो जाता है और साउंड सिर्फ एन का आता है। जैसे इसमें का साउंड आता है जैसे फोटो, फोटो। तो इसमें जैसे के और एन जब मिल जाते हैं तो न का साउंड आता है, जैसे नाइफ, नाइफ, ठीक है। इसी तरह जब W और R भी इकट्ठे आते हैं तो हमारे पास जो साउंड है इसका W का, ये सप्रेस हो जाता है, ये साइलेंट हो जाता है और R का साउंड हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारे पास वर्ड होता है रैप, 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 तो सिर्फ R का साउंड आ रहा है। C और K जो हैं ज़्यादातर ये एंड पे आते हैं और ये एंड पे जब दोनों मिलते हैं तो साउंड एक ही आता है, ख, ख का साउंड आता है, क, ठीक है। तो ख का साउंड आता है। तो हमारे पास जैसे कि चिक, स्नैक, एंड पे आप देख रहे हैं ख का साउंड आ रहा है, स्नैक, चिक, ठीक है। तो उसके बाद हम इन्हें रीडिंग भी आगे करते हैं आपको, ताकि ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाए। ये भी एंड पे आता है एन और जी, और यहाँ पे साउंड दोनों का हम लेंगे, ग, 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 ठीक है। जैसे सिंग, विंग, एंड पे हंग का साउंड आ रहा है, ठीक है, हंग। ये हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। और ए और वाई जब भी मिलते हैं ये भी ज़्यादातर एंड पे आते हैं, और ये जब दोनों इनको हम ब्लेंड करते हैं तो ये जो है हमारे पास डायग्राफ बनता है, इसका साउंड आता है लॉन्ग ए, ए, लॉन्ग ए का साउंड देते हैं ये, ए। जैसे ड, ए, डे, स, ए, से, इस तरह करके। फिर हमारे पास आ जाता है ए आई। ए आई कौन सा साउंड देता है? ये भी लॉन्ग ए का साउंड देता है, ए आई भी। अच्छा, ये जो है ये भी लॉन्ग ए का साउंड दे रहा है बट ये एंड पे आता है, और ये भी लॉन्ग ए का साउंड देता है लेकिन ये मिडल में आता है, ज़्यादातर मिडल में यूज होता है। जैसे र, ए, रेन, ठीक है। इस तरह से ये बीच में लॉन्ग ए साउंड देता है, ए आई, ए, लेकिन मिडल में आता है ये। अच्छा, यू ई जो है वो साउंड देता है यू, यू, जैसे ब, उ, यू, ब्लू, ग, उ, यू, ग्लू, ठीक है, यू का साउंड देता है, यू। आई ई जो है हमारे पास लॉन्ग आई का साउंड देता है, आई, आई, फ, आई, फाई, ड, आई, डाई, इस तरह करके, ठीक है। और ये जो है दोनों इनको भी हम जब ब्लेंड करते हैं हमारे पास बनता है साउंड और, अ, र, और, अ, र, और, ठीक है। तो ये हमारे जो रिमेनिंग थे ब्लेंड्स वो हमने कर लिए हैं। अभी हम रीडिंग के थ्रू भी देखते हैं कि इन्हें हमने कैसे यूज़ करना है रीडिंग में। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो डायग्राफ है हमारा ए वाई ए, ए वाई ए। अब यहाँ पे हमने बिगिनिंग ब्लाइंड यूज किया है, प,
पुल ए प्ले, पुल ए प्ले। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब यूज कर रहे हैं ए, ए आई ए का साउंड दे रहा है, लॉन्ग ए का साउंड। र ए न रेन, र ए न रेन। यहाँ पे हम लोग ने बिगनिंग ब्लेंड यूज किया है अपना, ब ब ब यू ब्लू। यहाँ पे हम लोग आई और ई डायग्राफ यूज करेंगे, आई और ई, आई का साउंड देते हैं, आई ठ आई ठाई ठ आई ठाई। यहाँ पे हम लोग बिगनिंग अपना जो डायग्राफ यूज कर रहे हैं वो है और, ख और न कॉर्न, ख और न कॉर्न। और यहाँ पे के और एन का डायग्राफ यूज हुआ है, के और एन, हमेशा के साइलेंट रहता है और न का साउंड आता है एन का सिर्फ। नॉट, नॉट। पी और एच जब भी इकट्ठे आएंगे तो फ, फ का साउंड निकलेगा, फ ओ छ ओ फोटो, फ ओ फो छ ओ टो फोटो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डायग्राफ यूज कर रहे हैं, ख सी और के, ख का साउंड देगा, ख ख ड अ ख डक, ड अ क डक। यहाँ पे हम जो डायग्राफ यूज कर रहे हैं वो है क्यू यू ख्वा, ख्वा का साउंड दे रहा है, ख्वा ए। और यहाँ पे भी सी के वाला डायग्राफ भी दोबारा यूज हो रहा है जो कि क का साउंड दे रहा है, ख ख ख्वा ए ख क्वैक, ख्वा ए ख क्वैक क्वैक क्वैक। यहाँ पे हमारा डायग्राफ यूज हो रहा है डब्ल्यू आर, जो कि डब्ल्यू जिसमें साइलेंट रहेगा और हमारे पास सिर्फ साउंड आएगा र, 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 ए, स्ट, रिस्ट, र, ए, स्ट, र, र, ए, स्ट, रिस्ट, र, ए, स्ट, रिस्ट। यहाँ पे हमारा डायग्राफ यूज हो रहा है न ग, ंग, ंग, ख ए ंग किंग, ख ए ंग किंग। ठीक है, तो ये हमारे फ्रेंड्स डायग्राफ्स थे काफी सारे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मजीद रीडिंग वीडियोस के लिए। अभी हम इंग्लिश की शेयर कर रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग उर्दू और मैथ्स की भी शेयर करेंगे, तो आपको मजीद हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।